मैं बताता हूँ ना, क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो, मैं भी कराता हूँ साथ साथ में। 34 आ जाओ, पेज नंबर है 2.24। एन विल बी इक्वल टू माइनस डी, एन टू माइनस एन वन। हाँ जी, हाँ मैं इसको पहले समझाता हूँ। मैं बताइए, ठीक है मैं क्या, हाँ तो मैं क्या करूँ, आप आपको होस्ट बना दूँ? ये कैसे बनता है होस्ट वाला? यहाँ तो बात ये है ना, पार्टिसिपेंट फिर क्या करूँ इसमें? एक सेकंड, ये मेक होस्ट का ऑप्शन लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये करना है, तो आप ये कर सकते हो ना कि पहले सबको पढ़ो कि n क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल का तो होगा नहीं, n का जो यूनिट दे रखा है देखना है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग में आपको वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको। ये लिखा है ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर सेकंड लिखा हुआ है, हाँ लेंथ हो गए, पोजीशन हो गए एल,
हाय प्रेरित, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अरे यार, वो जो लड़का है ना, उसका बेटे का जो पेपर है विशेष नाम का, नहीं बताया था मैंने? तो मैं वहाँ 3 से 4, मैं 4:30 के अराउंड कॉल करूँगी आपको। जाना तो नहीं आपने? ठीक, आप ही दीजिएगा। अब 4:35 के बीच में आऊँगा ब्रदर। चलो, टेक केयर। अच्छा, मैं हाँ, अब ये आप देखो, सबका पहले यूनिट लिखो इसका। अगर हाँ, हमें डी का चाहिए ना, तो इसका पोजीशन कितना बताओ? नीचे वाले का तो एल है, ऊपर वाले का क्या है बताओ? ऊपर वाले का दे रखा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल लिखो। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ इस पे? एनोटेट का ऑप्शन तो होगा। अच्छा जी, एक सेकेंड, ये है ना। हाँ देखो सुनो, मैं बोल रहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो अगर गौर से देखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसको हटा दो। पर यूनिट वॉल्यूम का कितना यूनिट होगा? -3। तो पहले का हो गया, मतलब इनका यूनिट कितना हो गया टोटल का? एल -3। इसका यूनिट कितना हो गया बताओ? इसका यूनिट हो गया एल। और बताओ इसका यूनिट क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, बोले नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर सेकंड, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो करोगे तो कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा एल -2 टी -1। तो ये हमें पता है, तो एन का हमें यूनिट पता चल गया। आपको समझ में आ रहा है? सबका यूनिट हमने लिख दिया, इसका भी यूनिट लिख दिया, इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया। अब आपको सबका यूनिट इसमें मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। इसका यूनिट क्या था स्मॉल एन का? कर लो एल -2 टी -1। एल का यूनिट बताइए एल, एन का यूनिट बताइए, एन का यूनिट कितना था? एल -q। सॉल्व करोगे आ जाएगा, गॉट इट? कि मैं हटा दूँ अपना, हटा दूँ? मैंने हटा दिया, आप कर लिए। आया जीनियस को? प्लीज प्लीज।
कीजिए अदिति। हाँ बना दिया, हाँ मैं वो कॉल कर दूँगा, टिकट बंद कर दूँगा। एसी बंद कर दो। थर्टी वन बड़ा सिंपल है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम कर दो। ये सिंपल सवाल है, हम वो करो क्या बोलते हैं, 30th कर लो, 30th 30। थर्टी कर लो, कैपेसिटेंस सी होता है, इसका फॉर्मूला देखो, देखो क्यू इक्वल टू सी वी, सी कैपेसिटेंस, वी होता है वोल्टेज, क्यू होता है चार्ज, ये चार्ज है, हाँ क्यू को बोलते हैं चार्ज। एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करता है, स्टोर करता है मतलब जैसे कि ये सिंपल होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, विच स्टोर चार्ज। हाँ कर दिया मैंने, फिर आ रहा हट नहीं रहा है। हाँ
सकता हूँ। बिल्कुल सही है, 130 में बाय 130 जाऊँगा मैं। वेरी गुड, बाय बाय। नहीं 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 सही नहीं, चलिए आ जाइए। 35 कर लो प्लीज। अब अगला चला है, वॉइस ब्रेक हो रही है। 35 कीजिए। हेलो, हेलो आदिति, आदित्य आप कीजिए, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ आदित्य। ठीक है, हाँ जी, फिर अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है। डी वाई यानी मैं कर देता हूँ। अब सबसे पहले इसमें जो बेसिक जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं N1V1 कर दिया। तो अब इसमें लिखो, तो गौर से कर दे, पहले तो जी का फॉर्मूला लिख डालो जो होता है MLT-2
भी आपको पता है, एफ जी एम इक्वल टू एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, जी का फॉर्मूला लिखो एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर एम स्क्वायर, इसके बाद ए जी का फॉर्मूला निकालो एम माइनस वन एल टी, और इसके बाद से टी माइनस टू, फिर उसके बाद से हम डिस्कस कर सकते हैं ये वाली बात। फिर हम दो यूनिट लेंगे सी जी एस ऐसा यूनिट, फिर हम डिस्कस करेंगे एन टू किसके बराबर होगा एन वन ई वन अपॉन यू टू, सॉल्व द फॉर्मूला यही है। बताऊँ फर्दर बताऊँ मैं आगे, जैसे मान लो सुनो आदिति आदिति फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ आप, एन वन ई वन विल बी इक्वल टू एन टू यू टू है ना, क्या निकालना आदिति हमें इसमें, एन टू निकालना है कैसे निकालोगे, तो डाउट है हाँ 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 ये वही बोला हुआ ठीक है। तो भाई ये यूनिट है मतलब एन वन ई वन विल बी इक्वल टू यू टू राइट, अब पुट द वैल्यू ले लीजिए, अब सुनो ई वन कैसे पुट करोगे, तो ई वन दिया हुआ आपके पास पता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, एक जगह पे कितना हो गया बताओ माइनस वन, बी की जगह पे थ्री और सी की जगह पे क्या करोगे माइनस टू राइट, आया ना। अब मेरी बात सुनना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर एन वो हटा दूंगा मैं, एन टू बराबर हो जाएगा एन वन यू वन अपॉन यू टू, एन वन हो जाएगा अब यहाँ देखो एम वन अपॉन एम टू, एल वन अपॉन एल टू, यहाँ पर टी वन अपॉन टी टू सी, एन वन के वजह से बताओ 6.67 टेन टू द पावर माइनस एट, एम वन को दे रखे यहाँ पे वन, तो ये दे रखा है यहाँ पे है डाइन, तो डाइन है और हमें कन्वर्ट करना है, एन वन दे रखा है ना पता है, एन वन दे रखा है राइट, हाँ जी कितना दे रखा है एन वन बताओ, एन वन तो हमें पता है। अच्छा मास अगर इसमें अगर किसमें लोगे बताओ, सुनो हम निकाल रहे हैं एन टू निकाल रहे हैं, तो ये पहले वाला जो यूनिट है ना वो सी जी एस यूनिट है, ये वाला ऊपर वाला सी जी एस है सारे, और नीचे वाला क्या है ऐसा यूनिट है, तो सी जी एस में क्या लिखते हैं मास को ग्राम, और इसमें एस आई में क्या लिखते हैं के जी, और इसमें क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, इसमें क्या लिखते हैं मीटर, इसमें क्या लिखते हैं सेकंड, इसमें क्या लिखते हैं सेकंड, कोई डाउट है। ये जो डाइन जो है सी जी एस यूनिट है कि ऐसा यूनिट है बताओ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या पुट किया हम लोगों ने ग्राम पुट किया, ऐसा के लिए क्या पुट करना पड़ेगा के जी, आया आपको समझ में, तो पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए वैल्यू वन सेंटीमीटर वन मीटर वन से राइट, क्योंकि ए वाला पावर है ना एम का पावर माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन लिखना पड़ेगा आपको, बी का पावर थ्री लिखना पड़ेगा, और टी का पावर क्या लेना पड़ेगा माइनस टू लेना पड़ेगा, आया ये तरीका होता है, डाउट है
तो अब इसे इसको हटा दूं मैं, आया समझ में आपको? ऊपर वाला पहला जो वैल्यू दे रखा है, आप इसको देखोगे ना तो ये CGS यूनिट है, इसीलिए जो N1 है हमारा CGS यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसका यूनिट भी क्या होगा, CGS यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। और N2 जो है इट्स रिप्रेजेंट ऐसा यूनिट, कोई डाउट है कीजिए। बिल्कुल सही बात है, आगे चलें, क्या बात।
बिल्कुल, एक सेकंड, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है भाई, क्या बात है। अब क्वेश्चन नंबर 37 सेम कंसेप्ट पे कीजिए। हाँ सिग्मा, ऐसा सिग्मा, ये कौन, वो बोल्टमैन कॉन्स्टेंट बोलते हैं उसको,
वोल्टाज एमन कौन, वोल्टाज एमन कॉन्स्टेंट है, ये कैलविन है, यहाँ पे कैलविन, ये तो कैलविन है, टेम्परेचर कीजिए। 38 तो बड़ा सिंपल सवाल है ना, इसका तो बिल्कुल सही आंसर है 5.6 × 10⁻¹⁸, 8 आएगा, सही है, इसको जोड़ देना, सही है, ऐड कर देना, कि आप −12 + 4 नहीं है, तो −12 से देखो, और ये वाला सबको जोड़ो कितना आएगा, ऐड करो उनको 10⁵ चार ही तो आएगा भाई, 12 में से 4 माइनस करना तो प्लस है ना, 4 हो जाएगा ना, −2 × −2 कीजिए,
कि 1 किलो किलो 10^3 हो गया। अब हम चलेंगे 10 द पेज आ जाओ 46 पे आ जाओ। हाँ जी yeah.
बताऊं इसको, ऐसे कल भी प्रैक्टिस करवा दो, कल भी प्रैक्टिस करवा दो। कल टाइमिंग यही रखेंगे ना, 12 रखेंगे। दो बजे ठीक है। देखो मैं करता हूँ एक वो है, बड़ा सा चीज़ क्या है कि F जो है फोर्स है, A की वैल्यू जो है फोर्स अपॉन रूट एक्स है, एम एल टी माइनस टू है, L माइनस हाफ है, एम एल वन माइनस हाफ, टी माइनस टू, एम एल हाफ, टी माइनस टू, ये का डायमेंशन। ऐसे बी का निकालो, हो गया कि डायमेंशन सबका होगा फोर्स के वाला ही डायमेंशन होगा। हो गया, ले आया ना कि अगर कुछ भी अगर हम ऐड करते हैं, देखो फिर से बताता हूँ, इफ वी ऐड एनी क्वांटिटी तो व्हाट हैपन कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही इनका डायमेंशन होगा, वही इनका डायमेंशन होगा। एक इक्वेशन बनाओ ए रूट एक्स का, एक बनाओ एफ विल बी इक्वल टू डी टी स्क्वायर, इक्वेट डायमेंशन ऑफ बोथ। तो क्या करोगे पता है, इक्वेशन मैं 130 निकलूंगा ब्रदर 10 मिनट बाद, है ना, कोई 210-230 तक आऊंगा मैं। हो गया, इक्वेशन ऑफ ए कैसे करोगे बताओ, एफ का रूट एक्स, बी का एप अपॉन टी स्क्वायर। जीनियस आया जीनियस को कि सुनो देखो ये दोनों का डायमेंशन मिला के फोर्स का डायमेंशन होगा, इनका भी मिला के फोर्स का डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों का ऐड करने के बाद फोर्स आ रहा है। अगर थ्री चीज है, अगर सबको ऐड करने के बाद अगर हमें मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ क्या बोलते हैं हम, सेम आएगा राइट। आया तो ये हट नहीं रहा है, क्या पता क्यों। अब मैं ये बोल रहा था सुनो ना, ये लिखना कंसेप्ट क्या है कि डायमेंड करो, नहीं नहीं ए रूट एक्स को और बी टी स्क्वायर। हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा बन गया जीनियस का, ये हम कर लेंगे फ्राइडे से पहले, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे राइट।
हाफ हाफ हो गया ना। हाँ हो गया। हम 47 करेंगे। ये बिल्कुल सही किया आपने, देख लिया पहले। नोट कर लो, 47 करेंगे वो सेम अप्रोच करेंगे। Thank you.
देखो मैं बोल दूँ, ये क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये, क्योंकि ए है यहाँ पे ए टी, देखो ये है क्या है, ध्यान से सुनना है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये दोनों एडिशन है सब्ट्रैक्शन में है, तो जो यूनिट होगा बी का वही यूनिट होगा एक्स स्क्वायर का, तो बी का यूनिट जो होगा एल स्क्वायर होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जैसे मैं कर रहा हूँ, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू टी, फिर हमें करना है ए विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन पी इंटू टी, और यहाँ पे करना है एल स्क्वायर, पी का मतलब होता है वर्क बाई टाइम इंटू टाइम कैंसिल, और यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे क्या करोगे एल, क्या करोगे यहाँ पे एल, अब एक वहाँ पे और माइनस वन और टी माइनस टू, राइट नहीं आया ना, इसको हटा रहा हूँ, कीजिए बहन। हाँ मतलब कि अपने समझे कि आप, हाँ लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा जैसे बोला गया वैसे ही करना, कि यूनिट जो होगा हमेशा सेम होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टी इनका यूनिट सेम होगा, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है, हाँ सॉरी भाई क्लियर हो जा। हो गया, हो गया आंसर बिल्कुल सही है। अब हम कल मिलते हैं 2 o'clock राइट, मोस्ट वेलकम जीनियस।
हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, तो आपको वेट करना। थैंक यू सो मच।